नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान डीआईजी पहुंचे जमशेदपुर, छात्र वर्ग के साथ की बैठक। पुलिस के प्रति कैसी है आम जनता की राय, इस पर किया जाएगा जिला भर में सर्वे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म एवं हत्या के खिलाफ कांग्रेसियों ने फूंका योगी आदित्यनाथ का पुतला, कहा पीड़ित परिवार को दिलाओ इंसाफ। टाटा मुख्य अस्पताल में बिल माफी को लेकर जुटे झामुमो के चार विधायक, हुआ हंगामा। घंटों बैठक के बाद परिजनों को सौंप दिया गया शव। अब खबरें विस्तार से। पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया कैसा है, आम लोग पुलिस के प्रति कैसी धारणा रखते हैं, ऐसे कई सवालों का जवाब जानने जल्द ही आपके पास सर्वेयर पहुंचेंगे, तो आप तैयार रहें। झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां एक्सएलआरआई सभागार में उन्होंने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी और अर्का जैन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ संवाद कर सरायकेला और जमशेदपुर के 6 थाना क्षेत्रों में सर्वे करने का जिम्मा दिया। पहले चरण में ये छात्र जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा, मानगो, कदमा और परसुडी, जबकि सरायकेला के आदित्यपुर और गमरिया के लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। इस काम के लिए दोनों ही कॉलेज के 75 छात्रों को लगाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सीधे डीआईजी को सौंपेंगे। वहीं डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने आम लोगों से सर्वे करने पहुंचने वाले छात्रों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि इससे यह पता लगाने में सहूलियत होगा कि थाने के प्रति लोगों का नजरिया क्या है और पुलिस विभाग में आखिर क्या सुधार की गुंजाइश है। आम लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। आजादी के 70 साल के बाद पब्लिक जो कार्यक्रम है, माननीय डीजीपी सर के निर्देशानुसार डीजी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश के आलोक में जमशेदपुर और सरायकेला जिले के 6 थानों में पब्लिक परसेप्शन पुलिस के बारे में क्या है, इसके संबंध में सर्वे कराने का एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इसमें अर्का जैन यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, इन दोनों के मैनेजमेंट के छात्रों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। करीब 75 छात्र इन्वॉल्व हुए हैं और ये टोटल 6 थानों में सर्वे करेंगे। ये सर्वे सैटरडे और संडे दोनों दिन होगा। इसमें 20 क्वेश्चनार बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस के बारे में पब्लिक क्या सोचती है, 5-5 आंसर उसमें हैं, उसमें किसी एक आंसर पब्लिक को देना है। तो मेरा आम जमशेदपुर के सभी लोगों से यह अनुरोध है कि पहला दिन जो हम लोगों का सर्वे होना है, मानगो थाना, सिद्धगोड़ा थाना, परसुडी थाना और कदमा थाना, इसके लोग जो हैं वो पुलिस को अपना इंडिपेंडेंट व्यू दें, बिना किसी दबाव में, बिना कोई बायस होकर के अपना व्यू दें, क्वेश्चन का जवाब दें और जो सर्वे टीम के लोग हैं इनका वो कोऑपरेट करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का विरोध जताते हुए जमशेदपुर में कांग्रेस जनों ने योगी सरकार का पुतला एवं पोस्टर जलाया, साथ ही योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर योगी सरकार का जमकर विरोध करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि योगी सरकार निकम्मी हो चुकी है, पीड़ित के परिवार को उनकी बेटी का शव तक नहीं सौंपा गया और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई। यहां तक कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने पीड़िता के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त नहीं की, ये उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है और इस कारण कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार का विरोध कर रही है। कि एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, तो हम आप सारे लोग समझ सकते हैं। उस माँ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, अपने आंचल उठा के रोते रोते पैर पकड़ लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा वहाँ के पुलिस ने उन्हें उनकी
लाश को भी सौंपने का काम नहीं किया, आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक बहन का भाई होने के नाते मैं अपनी आवाज आपके तरफ ओर से बुलंद कर रहा हूं, और ये लड़ाई सड़क से लेके सदन तक जारी रहेगा, और मोदी हो या योगी हो, इनके चरित्र दौरे चरित्र को लोग समझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी साक्ची प्रखंड ने भी इस घटना का निंदा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और पुतले को जलाया। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल ही निकम्मी हो चुकी है, जिस कारण आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो गया है। एक मासूम के साथ इस तरह किए गए कुकृत्य के बाद वहां के प्रशासन ने बच्ची के शव को चोरी छुपे जलाने का काम किया, जो शर्मनाक है। आदित्यनाथ का पुतला दहन करने के लिए आए हैं, और आप सब जैसे देख रहे हैं कि इतना ज्यादा गिरा हुआ सरकार हमने पहले कभी नहीं देखा। हथरस में बेटी को तो इस सरकार ने बचा नहीं सका, और उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा पूरा मामला का लीपापोती किस तरह से किया जा रहा है वो भी आप लोग सब लोग देख रहे हैं। और आज बर्बरता का हद हो गया जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में जो है इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रास्ते में रोक करके हिरासत में ले लिया गया है, जिसका हम लोग सभी लोग पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और योगी जी से कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इतना घिनौना काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक टाटा मुख्य अस्पताल की प्रतिष्ठा कटघरे में खड़ी हो गई है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का। ये भीड़ है टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश का। ये भीड़ है एक गरीब को इंसाफ दिलाने का। आपको बता दें कि पोटका विधानसभा क्षेत्र की एक महिला का 3 दिन पूर्व इलाज के दौरान TMH में मौत हो गया था। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को 1,39,000 रुपए का बिल चुकाने के बाद शव देने की बातें कही। लाचार परिजन स्थानीय विधायक संजीव सरदार के पास फरियाद लेकर पहुंचे। विधायक संजीव सरदार ने TMH प्रबंधन से झारखंड सरकार के साथ 2005 में हुए समझौते को याद दिलाते हुए सालाना 25 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के नाम पर माफ करने का जिक्र किया। बावजूद इसके TMH प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, जमशेदपुर के चारों झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लाव लश्कर के साथ TMH पहुंचे, जहां विधायकों के आक्रोश को देखकर TMH प्रबंधन के हाथ पांव फूलने लगे। वैसे लगभग 1.5 घंटे तक चले बैठक के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को शव सौंप दिया। विधानसभा के डुमुरिया से लोटिका महतो और जुगसलाय विधानसभा क्षेत्र से बोराम क्षेत्र का जानकी मुर्मू, इन लोगों का इलाजरत के दौरान इन लोगों का मृत्यु हो गया, और जिसका बिल करीब 2.5 से 3 लाख करके बना था। 3 दिन पहले एक लोटिका महतो का मौत हो गया था, और आज जो है सुबह जानकी मुर्मू का मौत हो गया। अब और जिसके उसको रिलीज करने के लिए हमारे पोटका के विधायक ने टाटा के वाइस प्रेसिडेंट से अनुरोध भी किया था कि ये गरीब है, इनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन 3 दिन तक हमारा विधायक जी संजीव सरदार का चिट्ठी पर किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ, जिस कारण आज हम लोग को यहाँ चारों विधायक करना पड़ा, और उस डायरेक्ट यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी से मैंने बातचीत किया और तुरंत रिलीज किया। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर साक्ची स्थित रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में शहर के कई कोनों से लोगों ने शिरकत करते हुए इस पुनित कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। रेड क्रॉस द्वारा समय समय पर समाज हित के लिए कई कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रेड क्रॉस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गणमान्य लोग और शहर के कोने कोने से लोगों ने शिविर में पहुंचकर अपना रक्तदान किया। इस वैश्विक महामारी के दौरान रक्तदान में कमी को देखते हुए रेड क्रॉस ने आम जनता से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील भी की है।
आज विश्व रक्तदान दिवस है 1 अक्टूबर, और इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह हम लोगों ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस कोरोना संकट के दौरान हम लोगों ने बिल्कुल प्रचार प्रसार भी नहीं किया इस बात का, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे रक्तदाताओं में इतना उत्साह है कि सारे लोग अपने आप आ रहे हैं ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन अभियान भी जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किया है, जिसकी प्रभारी हमारे मैडम हैं यहाँ, गुप्ता मैडम जो डिप्टी कलेक्टर हैं यहाँ, वो उसकी नोडल अफसर हैं। और आज के दिन हम उसका भी सेंचुरी पूरा कर रहे हैं। आज हमारा 100 से अधिक प्लाज्मा डोनेशन हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ हमारा ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें हम लोगों ने 1 अक्टूबर से शुरू किया है और इसको पूरा फोर्टनाइट चलाएंगे 15 अक्टूबर तक, और 1000 डोनेशन का हमारा टारगेट है, और 100 डोनेशन प्लाज्मा डोनेशन का टारगेट हमारा पूरा हो गया है। अब उससे आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन दिन दहाड़े अपराधी छिनतई लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में सफल नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मानगो गांधी मैदान का है, जहां दिन दहाड़े बच्ची का पर्स छीनकर भाग रहे अपराधी को स्थानीय युवक संतोष कुमार ने दौड़ाकर धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अपराधी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले शख्स संतोष कुमार ने बताया कि 7 से 8 साल की बच्ची के पर्स को लेकर भागने की जानकारी जैसे उन्हें मिली, उन्होंने खदेड़कर युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक द्वारा अपना नाम सही नहीं बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने बताया कि हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ की जा रही है। गांधी मैदान के पास खड़े थे, कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में ही, तो एक छोटी सी बच्ची जो करीबन 7 से 8 साल की है, उसके हाथ से पर्स छीन के एक युवक बच्ची ने चिल्लाया अंकल छोड़ छोड़ के, हमने दौड़ के पकड़े और यहाँ पे खड़ा होमगार्ड वाले उसको सारे उसको बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले भी वो 35,000, 30,000, 35,000 कुछ रुपये लेकर भाग रहे थे, जिसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया। ये उसकी दूसरी घटना है। अपना घर 7 नंबर रोड बता रहा है, नाम 2-3 को बता रहा है, बच्ची का पर्स लेकर भाग रहा था। एक बार हम 15 दिन पहले पकड़े थे, डिक्की खोल के मतलब क्या बोलते हैं कुछ निकाल रहा था, पकड़े था तो उस दिन बोला अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, उस दिन भाग गया। इसको 2 आदमी छुड़वाने वाला दुकान वाला सब पर्स लेके छीन के भाग रहा था, इसी बीच हम लोग हल्ला सुने कि चोर चोर चोर, तो इसको दौड़ा के पकड़ा गया है। जमशेदपुर के कासीडी दुर्गा पूजा मैदान में बन रहे छोटे से पंडाल को स्थानीय थाने के द्वारा रुकवाया गया, जिस पर पूजा कमेटी के सदस्यों ने कठोर आपत्ति दर्ज करवाई। वैसे पंडाल छोटा ही बन रहा था, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर कार्य को रुकवा दिया। गौरतलब हो कि इस बार दुर्गोत्सव को छोटे रूपों में मनाने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है और सभी पूजा स्थलों में छोटे मूर्ति एवं छोटे पंडालों में पूजा संपन्न करवाया जाना है। कासीडी दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा 30 फीट बाई 30 फीट का पंडाल बनवाया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया और उसे और छोटा किए जाने का निर्देश पूजा कमेटी को दिया है। इस पर पूजा कमेटी ने कठोर आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि जितने छोटे स्थान पर प्रशासन पूजा करने की बातें कह रहे हैं, उतने छोटे स्थान पर पूजा संपन्न नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कमेटी खुद इस बात का ध्यान रख रही है कि नियमों का पालन हो और इस कारण छोटे पंडाल का निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रशासन जानबूझकर इसे रोकने का प्रयास कर रही है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा काफ़ी वर्षों से होता रहा और यहाँ पर 300 से अधिक पूजा पंडाल है, लेकिन इस वर्ष जो हुआ भोग की स्थिति मचा हुआ है, यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की गाइडलाइन को तैयार किया गया। जहाँ पर पूजा हमेशा होता रहा है वह स्थान धार्मिक, लेकिन अचानक सरकार के कहने पर जिला प्रशासन के द्वारा जो गलत ढंग से दबाव बनाया जा रहा है कि आप पूजा पंडाल नहीं बनाए, तो माँ देवी भगवती की 9 दिन की जो पूजा होती है, अगर वहाँ छोटा सा ही पंडाल नहीं बने तो पूजा कैसे संपन्न हो।
हम लोगों ने पहले ही जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई आप निश्चिंत रहें, 40-50 से अधिक संख्या में लोग नहीं रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो हिंदू विरोधी सरकार, जो निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, क्या सर पर चढ़ गया है पूजा का त्यौहार और कोई भी गाइडलाइन इन्होंने तैयार नहीं की। अब प्रशासन के लोग अगर गाइडलाइन देंगे तो सरकार कौन चला रहा है, ये तो तय करना होगा। सरकार अपने ढंग से लोगों को भेज रही है कि जिला प्रशासन अपने ढंग से। कोरोना काल में लागू लॉकडाउन ने देश में कई तबके के लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इन्हीं में से एक कलाकार हैं जो इन दिनों दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब इनके सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। वहीं रोजगार की मांग को लेकर भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के बैनर तले कलाकारों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां उपायुक्त से मिलने नहीं दिए जाने से नाराज कलाकारों ने उपायुक्त कार्यालय के गेट के समक्ष धरना भी दिया। कलाकारों का मानना है कि लॉकडाउन के कारण पिछले कई महीनों से उनका रोजगार छिन गया है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं है। आज 7 महीने से सारे कलाकार अपना कार्यक्रम बंद करके बैठे हैं, सब भूख से। कई कलाकार फांसी ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, कई लोग भूख से मर जा रहे हैं, लेकिन कलाकार हमारी कहीं भी नहीं सुन रहे। आज तक नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, आज तक उन्होंने मन की बात में कभी कलाकारों का एक जिक्र भी नहीं किया। आज हम कलाकारों को इस बात का बहुत दिल में दुख है कि हमारे लिए कोई सरकार कुछ नहीं सुन रही। और आज हमने एक मन मनाया है कि हम कलाकार जो आज इतने दिन से बैठे हैं, हमको रोजगार दिया जाए या फिर हमारे लिए कोई राशन पानी का इंतजाम किया जाए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, मकान मालिक हमें तंग कर रहे हैं, हमारा भाड़ा नहीं दिया जा रहा। कई गैस गोदाम जो गोदाम है साउंड वाले, उनका भाड़ा नहीं दिया गया, उनको खाली किया जा रहा है। कई कलाकार आत्महत्या करके मर रहे हैं, बताइए हम कलाकारों को कौन है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो चौक के पास उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कोरोना टेस्ट करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जबरन सड़क पर चल रहे आम लोगों के साथ मजदूरों को जबरन कोरोना जांच करवाना चाह रहे थे। मजदूर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रवैये से अचानक आक्रोशित हो उठे और मानगो मुख्य सड़क पर उतर गए, और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतर गए और सड़क को जमकर विरोध जताया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह से ही मजदूर कोरोना जांच का विरोध करते हुए हंगामा करते रहे। वैसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हल्का बल का प्रयोग कर सड़क जाम को मुक्त करवाया। कोविड-19 के चलते सुबह जो है जांच मानगो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। उसी क्रम में 50-60 लोगों का जांच भी हुआ है, लेकिन उसी में कुछ लोगों का आरोप ये है कि मेरे 5 या 6 आदमी को जांच के पश्चात निगम के लोग लेके गए हैं अपना जाले। जब हमने इस संबंध में विशेष पदाधिकारी से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, किसी आदमी को हम लोग जाँच के बाद सबको छोड़ दिए। इसी में गलतफहमी के कारण ये लोग जो है अभी जाँच जाम करने का प्रयास किया है, जिसका मुझे चाहता है कि इसको जिनके भी रिपोर्ट आई भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक विशेष पदाधिकारी से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि कोई भी किसी भी आदमी को हम लोग लेके नहीं आए हैं, जांच के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। विशेष पदाधिकारी भी आ रहे हैं, मैंने उनको ही बताया है, वो भी आएंगे, उनका भी आप पूछ लीजिए, लेकिन एक भी आदमी को ले जाने की बात नहीं। यूपी के हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
भले योगी सरकार ने पीड़िता के आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान करते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन देश का बड़ा वर्ग हत्यारों को फांसी और योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से कर रहा है। इधर सोमवार को झारखंड के जमशेदपुर में भी डॉक्टर अम्बेडकर एसटीएससी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने यूपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर जमकर बवाल काटा। देश के राष्ट्रपति के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए योगी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़िता के हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने की मांग रखी है। वहीं इन्होंने पीड़िता के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की है। वैसे इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दलित छात्रा को इंसाफ नहीं मिला तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रांत के हथरस जिले में जो हमारे मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उनकी हत्या हुई, उनके विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उपायुक्त के माध्यम से हम लोग एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। मांग पत्र में यह हमारा मांग है कि जो असंवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दिया जाए और पीड़िता के परिवार को, उनके आश्रितों को 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और उनको सुरक्षा मुहैया किया जाए। ये हमारे मांग पत्र में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम लोग दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।